नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है और ये लास्ट के कुछ दिनों में आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। तो ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस पे या फिर कौन से कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो कि होमोजीनियस है, तो उसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशंस या फिर उसके ऊपर कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अब होमोजेनियस से भी ज़्यादा जो प्रायोरिटी मुझे लगता है आने का है, वो है नॉन होमोजेनियस का। तो आज के वीडियो में हम लोग वो देखेंगे कि उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसमें कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझना इम्पॉर्टेंट है। अब जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें कुछ बच्चों का फीडबैक आया था कि बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है और बहुत क्वेश्चन जो है वो कम सॉल्व कर रहे हैं। तो वो फीडबैक को मैंने लिया और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट को बहुत लिमिटेड रखें, जितना चाहिए बस उतना ही देखेंगे और फिर क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो में मैं क्या करूँगा कि स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे 4 क्वेश्चंस, ठीक है? और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो पॉज करके वहीं पर वो चारों क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर चारों क्वेश्चंस आपसे बन गया तो फिर ये वीडियो देखने का आपको ज़रूरत नहीं है। आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको आता है तो फिर ज़रूरी नहीं है। बस लास्ट में मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा, वो आप एक्सरसाइज लेके प्रैक्टिस कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन अगर आपसे ये चारों क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, तब फिर ये वीडियो देखिए। हम लोग ब्रीफ में कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे कि कॉन्सेप्ट्स क्या चाहिए ये सॉल्व करने के लिए, और फिर उसके बाद ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये 4 क्वेश्चंस देखेंगे। ये चारों क्वेश्चन 2019 का है, जेईई मेंस का। तो ये सारे में क्या है कि हमारे पास तीन यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस है ना? और फिर तीनों जो हैं वो नॉन होमोजीनियस है, मतलब जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर, ये सारा नॉन जीरो है यहाँ पर हमारे पास। तो हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सब में इस टाइप से रहेगा कि ये जो तीनों सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दिस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, हैज़ मोर देन वन सोल्यूशन, फिर हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये सब रहेगा। तो पहले ही एक बार ब्रीफली हम लोग समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या है। तो एक बार हम लोग समझ लेंगे, फिर हम लोग ये जो है चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार पहले खुद से ट्राई कर लीजिए यहीं पर वीडियो पॉज करके, और जो भी आंसर आता है उसको कमेंट्स में लिख दीजिए। तो एक बार बहुत ब्रीफली समझ लेते हैं पहले कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। तो हमारे पास जनरली क्या दिया रहता है, तीन यहाँ पर है लीनियर इक्वेशंस, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कह सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में रहेगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बस जो कोएफिशिएंट्स है वो चेंज रहे होते रहेगा, ए टू बी टू सी टू, फिर यहाँ पर डी टू, फिर ए थ्री बी थ्री सी थ्री, फिर यहाँ पर डी थ्री। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ना, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरे प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये तीसरे प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास हमेशा तीन प्लेन्स है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि या तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन मतलब क्या कि एक ऐसा पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड जो कि ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो या तो सोल्यूशन आएगा या तो सोल्यूशन नहीं आएगा। तो अगर सोल्यूशन आता है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, और अगर सोल्यूशन नहीं आता है तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है? अब इसमें केस क्या बन सकता है कि अगर सोल्यूशन आता है तो या तो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि ये तीनों प्लेन्स में लाई करते हैं। तो इसको आप लोग कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। इसके डिटेल में हम लोग उतना नहीं जाएंगे विजुअलाइजेशन के, लेकिन समझ सकते हो, जैसे ऑरेंज में एक प्लेन है, ग्रीन में एक प्लेन है, ब्लू में एक प्लेन है, तो ये तीनों एक ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट जो है तीनों प्लेन्स पर लाई कर रहा है। तो हमारे पास वन सोल्यूशन आया या फिर वन यूनिक सोल्यूशन आया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो तीनों प्लेन्स हैं एक स्ट्रेट लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये जो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों इक्वेशंस को। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके पास सोल्यूशन रहेगा। तो या तो एक सोल्यूशन या फिर एक से ज़्यादा सोल्यूशन, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। और फिर और केस क्या हो सकता है कि तीनों प्लेन्स मान लो पैरेलल है एक दूसरे के, तो इस केस में क्या होगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा होगा कि जो तीनों पर लाई करेगा, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो प्लेन्स जो हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि तीनों प्लेन्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो तीनों प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा कि सोल्यूशन नहीं होगा।
तो ये था समझने का कि किसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास बस ये तीन इक्वेशंस दिए हैं तो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर यूनिक सोल्यूशन है या फिर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस है। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो तीनों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो हम लोग कैसे करेंगे कि ये एक्स वाई जेड इसके जो भी कोफिशियंट्स हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो यहाँ पर, कि ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। तो वो अपना एक मैट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद ये एक्स वाई जेड हो गया, दिस इज़ इक्वल टू डी वन डी टू डी थ्री। आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता होगा। तो ये थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, ये थ्री क्रॉस वन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास थ्री क्रॉस वन आएगा और एसेंशियली यही इक्वेशन आ जाएगा, मतलब ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन वाई इज इक्वल टू डी वन, फिर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू एंड सो ऑन। तो इसको जो है हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसको कैपिटल एक्स से, और ये जो मैट्रिक्स है इसको बी से, कैपिटल बी से। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, मतलब दोनों साइड अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये सब के डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ कि कैसे ये सब होता है। तो वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो हम लोग अब जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है वो हम लोग यहाँ से भी हम लोग सोच सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो होगा या नहीं होगा, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज़ीरो होगा या नहीं होगा। लेकिन उससे भी सोचने का एक अच्छा तरीका है कि क्रैमर्स रूल एक कह के होता है, मतलब वो भी सेम चीज़ है। मतलब अगर इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाना रहता तो इसी चीज़ को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मान लो कि डेल्टा लिख दिया मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपके पास क्या आएगा कि आपके पास आएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और फिर डेल्टा जेड। इसके डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ कैसे ये होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर टाइम है सोच सकते हो तो ये काफ़ी आसान है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले डेल्टा क्या है, डेल्टा सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये। तो डेल्टा हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। अब डेल्टा एक्स जो हम लोग कह रहे हैं, डेल्टा एक्स क्या है कि ये जो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स है, मतलब ये वाला जो कॉलम है, तो इस कॉलम में ये ए वन ए टू ए थ्री नहीं लिख के हम लोग ये जो राइट साइड में जो कोएफिशिएंट्स है हमारे पास डी वन डी टू डी थ्री उसको लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्स वाला जो कॉलम है उसको हटा के हम लोग इसको डाल देंगे डी वन डी टू डी थ्री। फिर डेल्टा वाई में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वाई वाला कॉलम है इसको हटा के हम लोग डी वन डी टू डी थ्री डाल देंगे, तो इसको हटा के डी वन डी टू डी थ्री, और फिर बाकी ये और ये सेम रहेगा ए वन ए टू ए थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। फिर डेल्टा जेड में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो जेड वाला कॉलम है सी वन सी टू सी थ्री इसको हटा के हम लोग यहाँ पर डी वन डी टू डी थ्री कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स क्या है, ये एसेंशियली हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है ना। तो इसमें x क्या हो जाएगा, डेल्टा x बाई डेल्टा, तो x जो है डेल्टा x बाई डेल्टा हो जाएगा, y जो है डेल्टा y बाई डेल्टा हो जाएगा, और z जो है डेल्टा z बाई डेल्टा हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब आई होप कि आप लोग को आता होगा अभी तक। तो इस केस में क्या होगा कि जेई मेंस में एटलीस्ट आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको सारा दे दिया, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, डी वन डी टू डी थ्री, ये सारा दे दिया और बोला कि एक्स कैलकुलेट करो, वाई कैलकुलेट करो, जेड कैलकुलेट करो। उस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं कि आपको कैलकुलेट करना है। अब जेई मेंस में क्या आता है कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है कि नहीं, सोल्यूशन है या नहीं, इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, वो सब। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो है हम लोग कैसे उस चीज़ को जान सकते हैं कि सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो देखो हमारे पास क्या है, ये जो हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था इसी को मैंने छोटे में यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या है कि x डेल्टा x बाई डेल्टा है, y डेल्टा y बाई डेल्टा है, z डेल्टा z बाई डेल्टा है, और फिर डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z ये है, और डेल्टा हमारा ये है। अब इसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, डिनोमिनेटर से, मतलब ये जो हमारा डेल्टा है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये या तो ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर ज़ीरो नहीं हुआ, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो क्या होगा कि हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, मतलब
समथिंग डिवाइडेड बाई नॉन जीरो, है ना। तो अगर डेल्टा एक्स जीरो है तो जीरो डिवाइडेड बाई नॉन जीरो जीरो आ जाएगा, अगर डेल्टा एक्स नॉन जीरो है तो फिर नॉन जीरो डिवाइडेड बाई नॉन जीरो आपके पास कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहला आपको क्या चेक करना है कि ये जीरो है या नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा डिफाइंड होगा, ये हमारा यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। अगर डेल्टा जीरो है, अगर ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो है, तो अब क्या हो सकता है। अब पहला एक केस देखते हैं कि डेल्टा एक्स मान लो कि नॉन जीरो हो गया, तो नॉन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उस केस में नो सोल्यूशन। तो या तो डेल्टा एक्स आपका नॉन जीरो, या डेल्टा वाई नॉन जीरो, या डेल्टा जेड नॉन जीरो, मतलब ये तीनों में से कोई भी एक जो है अगर नॉन जीरो हो जाता है तो आपके पास जो है सोल्यूशन नहीं आएगा, तो उस केस में जो है ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सोल्यूशन। और फिर और क्या एक केस है कि अगर डिनोमिनेटर आपका जीरो है और फिर डेल्टा एक्स भी जीरो है, डेल्टा वाई भी जीरो है, डेल्टा जेड भी जीरो है, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो अगर आपको पूरा डिटेल्स में जाना है तो यहाँ पर भी दो केस बन सकता है, या तो कंसिस्टेंट हो सकता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता है। लेकिन जेई मेंस के स्टैंडर्ड से आपको उतने डिटेल में नहीं जाना है, जेई मेंस के स्टैंडर्ड से बस अगर ये तीनों जीरो है, आपके पास जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, तो आप लोग कह सकते हो कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है और वो कंसिस्टेंट है। लेकिन ये पूरा एक्यूरेट नहीं है, कोई केस जो है ऐसा भी हो सकता है जिसमें ये तीनों जीरो है, डेल्टा भी जीरो है, लेकिन फिर भी जो है सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। लेकिन उस केस में अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग जेई मेंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जेई एडवांस्ड के लिए करो तो आपको वो वाला फॉर्म भी समझना पड़ेगा, वो वाला, लेकिन अभी हम लोग नहीं जाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो बस हम लोग को क्या करना है, अगर मैं समरी में बोलूँ तो आपके पास तीन यहाँ पर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, तीनों को आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, और फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, पहले डेल्टा निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, चेक करो जीरो है या फिर नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन हो गया या फिर कंसिस्टेंट हो गया, अगर जीरो है तो फिर आप क्या चेक करोगे कि ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, अगर तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाता है तो फिर वो नो सोल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट हो गया, और अगर तीनों जीरो हो जाता है तो फिर ये इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो यही जो है ये मेन फंडा है, और इसी से आपका देखोगे कि हम लोग अभी जितने भी क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं क्या रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि वीडियो पॉज करके बिना सोल्यूशन देखे हुए ये क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, अगर पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ तो एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए सॉल्व करने का, और फिर हम लोग देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है इसका। तो देखते हैं इसमें क्या क्या रहा है, इसमें कह रहा है एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये तीनों इक्वेशंस दे दिया गया हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन इज, तो हमारे पास क्या है, ये तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वन प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू, अल्फा एक्स प्लस वन प्लस बीटा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू टू। तो ये तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब इसमें क्या कह रहा है, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन हम लोगों ने देखा था कि जो डिटर्मिनेंट आता है या फिर जो डेल्टा आता है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये केस है तो फिर आपका जो है यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा हमारे पास क्या होगा कि ये तीनों कोएफिशिएंट्स यहाँ पर वन प्लस अल्फा, अल्फा और फिर अल्फा, फिर ये बीटा, वन प्लस बीटा, बीटा, बीटा वन प्लस बीटा, बीटा और फिर ये वन वन टू, वन वन टू इसका डिटर्मिनेंट। मैं थोड़ा फास्ट में जा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो फिर आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ मैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो इसको सीधा आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब वन प्लस अल्फा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस माइनस बीटा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये, मतलब सिंपल जिस तरीके से आप लोग एक्सपेंड करते हो उस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं तो फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट लगा सकते हो थोड़ा कैलकुलेशन कम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि ये तीनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टू, मतलब सी वन को जो है मैं अगर ये लगा दूँ कि सी वन जो है सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। आई होप आप लोग को ये सब चीज़ करना आता होगा अभी तक, नहीं तो बहुत सिंपल है, हम लोग सी वन लेते हैं और सी वन को ये तीनों जो है हम लोग कॉलम को ऐड कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस टू आ जाएगा, फिर यहाँ पर अगर इसको ऐड करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, फिर यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस टू,
तो अगर हम लोग ये लगाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, और फिर यहाँ पर जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस टू को कॉमन ले सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट ये वन वन वन, फिर बीटा वन प्लस बीटा बीटा, फिर वन वन टू। अब यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, तो यहाँ पर जैसे ही आपको वन 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 दिखता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि इसको ये जो आर टू है, मतलब जो रो टू है, तो हम लोग रो टू माइनस रो वन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जीरो आ जाएगा। और फिर आर थ्री जो है, आर थ्री को आर थ्री माइनस आर वन कर सकते हैं, आर थ्री को आर थ्री माइनस आर वन, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ये सब मैं बस सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप सीधा यहीं से आप एक्सपेंड करके भी आ सकते हो, ठीक है, आंसर पे। और फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, और ये दोनों चीज़ अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि रो वन जो है वो सेम रहेगा, वन बीटा वन, अगर इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन माइनस वन ज़ीरो, वन प्लस बीटा माइनस बीटा, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, वन वन माइनस वन ज़ीरो, फिर वन माइनस वन ज़ीरो, बीटा माइनस बीटा ज़ीरो, फिर टू माइनस वन वन। तो अब ये करने से क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, वन टाइम्स, फिर ये वन माइनस ज़ीरो, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस टू टाइम्स वन टाइम्स वन माइनस ज़ीरो, और फिर ये ज़ीरो टाइम्स जो भी है वो ज़ीरो हो जाएगा, फिर ज़ीरो टाइम्स जो भी है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बहुत इसको सॉल्व करने में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस टू इंटू वन टाइम्स वन माइनस ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, वन, और यहाँ पर बचेगा बस अल्फा प्लस बीटा प्लस टू। अगर लगा कि आपको ये सब बहुत फास्ट में मैंने कह दिया, तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर क्या किया है, बहुत सिंपल है। अब हमारे पास क्या आ गया कि ये जो डिटर्मिनेंट है या फिर डेल्टा है, दिस इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस टू। तो अब कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस टू जो है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो या फिर दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस टू नहीं होना चाहिए। तो बस ये सॉल्व हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस टू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बस ऑप्शन देख लेंगे कि कहाँ पर माइनस टू नहीं हो रहा है। तो टू प्लस फोर ये सिक्स है, तो सिक्स माइनस टू नहीं है, मतलब ये आपका सही आंसर है। लेकिन बस श्योर होने के लिए, जैसे माइनस थ्री प्लस वन तो वो माइनस टू, माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, वन प्लस माइनस थ्री माइनस टू, तो ये तीनों ऑप्शन जो है नहीं होगा, और फिर ये जो है ये हमारा हो सकता है। मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा ये है तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा, और फिर आपके पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो जैसे आप लोग देख सकते हो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, और ये जो मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, ये जो सॉल्व किया है, इसको अगर आप लोग ये सब करने में कन्फ्यूजन आ रहा है, तो यहाँ से सीधा आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो। लेकिन ये सब अगर प्रॉपर्टी लगाते हो तो देख सकते हो कि कैलकुलेशंस काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2019 टेंथ जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, फिर ये तीन हमारे पास इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, देन बीटा माइनस एल्फा क्या होगा। तो ये तीनों को मैंने फिर से यहाँ पर लिख दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू नाइन, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू बीटा। अब इसमें क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो हम लोगों ने देखा था इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के केस में हमारा जो डेल्टा है डिटर्मिनेंट वो ज़ीरो होना चाहिए, और फिर ये जो तीनों है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये ज़ीरो होना चाहिए। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं डेल्टा से, ठीक है। तो डेल्टा हमारा क्या है, वन 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 वन, फिर वन टू थ्री वन टू थ्री, और फिर वन थ्री अल्फा वन थ्री अल्फा। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमारा ज़ीरो होना चाहिए, है ना। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारे पास वन 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 दिखा तो हम लोग रो टू को रो टू माइनस रो वन कर सकते हैं, है ना, मतलब आर टू को हम लोग कर सकते हैं आर टू माइनस आर वन, ठीक है। और फिर ये जो आर थ्री है, आर थ्री को आर थ्री माइनस आर वन, आर थ्री को आर थ्री माइनस आर वन। तो ये अगर करेंगे तो क्या होगा कि रो वन सेम लिखेंगे यहाँ पर वन वन वन, फिर रो टू माइनस रो वन, मतलब वन माइनस वन ज़ीरो, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन टू। फिर उसके बाद रो थ्री को रो थ्री माइनस रो वन, मतलब वन माइनस वन ज़ीरो, थ्री माइनस वन टू, और फिर अल्फा माइनस वन, यहाँ पर अल्फा माइनस वन। तो ये जो डिटर्मिनेंट है दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर ये कॉलम से, तो वन टाइम्स
फिर 1 × α − 1 − 2 × 2, तो α − 1 − 4 है ना, और फिर ये 0 × 0, 0 × 0, तो बस ये हमारा हो गया। तो ये क्या हो गया, α − 5। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये आया α − 5, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो α − 5 शुड बी इक्वल टू 0, या फिर अल्फा जो है हमारा 5 आ गया। तो अल्फा हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई भी एक उठा लो और फिर उसको 0 कर दो, है ना, तो वहाँ से हमारा बीटा आ जाएगा। तो हम लोग मान लो कि डेल्टा एक्स को सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा एक्स में क्या होगा कि ये जो पहला हमारे पास कॉलम है इसको हटा के हम लोग यहाँ का जो है ये तीनों उसको डाल देंगे, है ना। तो ये 1 1 1 हटा के हम लोग डाल देंगे 5 9 बीटा, तो 5 9 फिर बीटा। फिर हमारे पास ये 1 2 3 है, तो 1 2 3 सेम लिखते हैं। फिर 1 3 अल्फा है, तो 1 3 अल्फा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 5, तो उसको डाल देंगे 5, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि 0 करने के लिए ये कॉलम 1 को मैं −5 टाइम्स कॉलम 2 कर देता हूँ, तो कॉलम 1 जो है −5 टाइम्स कॉलम 2, तो उससे क्या होगा कि 5 −5 टाइम्स ये, तो 5 −5 0, फिर 9 −5 टाइम्स 2, तो 9 −10 −1 आ जाएगा, और फिर β − 5 टाइम्स दिस, तो β − 15 हो जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद इसको 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं कि कॉलम 2 को कॉलम 2 − कॉलम 3, तो कॉलम 2 जो है इसको कॉलम 2 − कॉलम 3, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 − 1 0, 2 − 3 − 1, 3 − 5 − 2, और कॉलम 3 जो है उसको सेम यहाँ पर 1 3 5। तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर 0 0 आ गया, तो इससे एक्सपेंड कर देंगे, तो 0 × this 0, फिर 0 × जो भी है वो 0, फिर ये +1, मतलब ±+, तो +1 × this × this 2, और फिर −±+1 हो जाएगा, फिर β − 15, तो 2 + β − 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, β − 13। तो β − 13, ये डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 0, तो β − 13 शुड बी इक्वल टू 0, तो बीटा आपके पास क्या आ गया, 13, तो बीटा आ गया 13, अल्फा आ गया 5, तो निकालना क्या था, β − α, तो 13 − 5 आपका 8 हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 8। तो काफ़ी आसान है। अब इसमें आप लोग अगर करना चाहो चेक, तो आप लोग डेल्टा वाई भी निकाल के देख सकते हो, वो भी 0 आएगा, डेल्टा जेड भी निकाल के देख सकते हो, वो भी 0 आएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं ये सब सारे, बस सेम कॉन्सेप्ट लगे जा रहा है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये तीनों इक्वेशंस दे दिया गया है, इसको मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया, 2x + 2y + 3z = a, 3x − y + 5z = b, x − 3y + 2z = c। ये तीनों इक्वेशंस दे दिया गया है, वेर ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, हैज़ मोर देन वन सोल्यूशन, देन क्या होगा, ये चारों ऑप्शंस में से क्या सेटिस्फाई होगा। तो ये करने का एक तो लॉजिकल तरीका है, मतलब जो कि नॉर्मल तरीका जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, हैज़ मोर देन वन सोल्यूशन, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि डेल्टा आपका 0 होना चाहिए, और फिर ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये तीनों 0 होना चाहिए। तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट क्या होता है इसमें कि जैसे ही यहाँ पर आपके पास तीन इक्वेशंस दिया गया है और फिर बोला गया है कि ये क्या, इसको किस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो, कि ये जो मतलब ये जो ए बी सी है, ये तीनों इक्वेशंस को आप लोग किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो कि आपका जो है ये सारा कैंसिल हो जाए, है ना, मतलब कि कुछ यहाँ पर 0 आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसको मान लो मैं इक्वेशन 2 कहता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन 3 कहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 3x है ना, तो 3x को मैं माइनस करूँगा इससे, 3x − 2x, तो फिर x बच जाएगा, फिर मैं उसको माइनस करूँगा इससे, तो फिर 0 आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इक्वेशन 2 − इक्वेशन 3 − इक्वेशन 1, तो अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, 3x − 3x − x 2x, फिर 2x − 2x 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये −1 है, तो −1 − 2, ये −3 हो जाएगा, और फिर −3 − −3, तो फिर वो 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 − 3 2,
टू माइनस टू ज़ीरो, तो ये सारा आपका ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आप सीधा यहाँ से देख सकते हो कि ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ये एक शॉर्टकट है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जब भी इस टाइप का आए तो आपको बस देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन लगा के कि ये आपका ज़ीरो आ जाए, मतलब ये सारा जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो कैंसिल हो जाए। इस केस में काफ़ी सिंपल था देखना कि 3 माइनस 2 माइनस 1 कर दो तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा और फिर सारा ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन हर केस में इतना सिंपल नहीं होता है, तो जो नॉर्मल तरीका है वो भी देख लेते हैं। तो नॉर्मल तरीका क्या है कि यहाँ पर बोला गया है मोर देन वन सोल्यूशन, मतलब आपका डेल्टा भी ज़ीरो होना चाहिए और फिर ये तीनों जो है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये भी ज़ीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो चेक कर सकते हैं कि डेल्टा ज़ीरो है कि नहीं। तो डेल्टा यहाँ पर क्या है, 231, 231, 2 माइनस 1 माइनस 3, फिर 352। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे ज़ीरो, तो C1 को C1 माइनस C2 कर देंगे, है ना, C1 को हम लोग C1 माइनस C2, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 ज़ीरो, 3 माइनस ऑफ माइनस 1 तो 3 प्लस 1 4, फिर 1 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब 1 प्लस 3 ये 4, तो 0 4 4, 2 माइनस 1 माइनस 3 3 5 2। अब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं ज़ीरो लाने के लिए यहाँ पर, कि ये जो R2 है तो R2 को R2 माइनस R3 कर सकते हैं, मतलब R2 को R2 माइनस R3। तो ये सब मैं, अगर आप लोग अभी तक ध्यान देके आ रहे हो, तो ये सब मैं इसीलिए करता हूँ ताकि ज़ीरो आ जाए, मतलब एक कोई कॉलम में या फिर रो में, तो फिर उसको एक्सपेंड करने में आसान हो जाएगा। तो 0 2 3, और फिर जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 माइनस 4 0 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3, तो फिर -1 प्लस 3 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और फिर 4 माइनस 3 2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों रो सेम हो गया, तो जैसे ही दो रो सेम होता है मतलब आपका ज़ीरो हो सक ज़ीरो हो गया, मतलब इसको आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हो। जैसे अगर एक्सपेंड करोगे यहाँ से तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू जो भी 0, फिर 4 इंटू 6 माइनस 6 0, तो फिर ये आपका 0 आ गया। तो डेल्टा जो है वो आपका 0 आ गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, कि आपका डेल्टा एक्स 0 होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स हम लोग निकाल सकते हैं, तो 2 3 1 के जगह पर ए बी सी लिख सकते हैं, है ना, तो 2 3 1 के जगह पर ए बी सी, फिर 2 माइनस 1 माइनस 3, 3 5 2। तो अगर इसको सीधा एक्सपेंड करोगे अबाउट दिस कॉलम, तो प्लस माइनस प्लस, है ना, तो ए टाइम्स, फिर ये -2 माइनस ऑफ माइनस 15 तो +15, और फिर -b टाइम्स, फिर 4 माइनस ऑफ माइनस तो 4 प्लस 9, और फिर +c इंटू 10, फिर -ऑफ माइनस 3 तो 10 प्लस 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 13a माइनस 13b प्लस 13c। तो इतना जो एक्सपेंड करना ये सब अभी तक आपको आ जाना चाहिए अगर आप जनवरी में एग्ज़ाम दे रहे हो। तो फिर अब इसमें क्या हो गया कि इसको ज़ीरो करना है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो 13 ये शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो a-b+c इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर a-b+c इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्योंकि ऑप्शन में ये दिया गया है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो फिर b-c-a इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से भी b-c-a इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अगर आप इससे कंफर्टेबल हो तो सीधा कंबाइन करके, इसमें टाइम बहुत बच जाएगा, और नहीं तो फिर ये वाला स्टेप कैलकुलेट करने का ज़रूरत भी नहीं है कि डेल्टा ज़ीरो है, मतलब ये ज़ीरो होना ही चाहिए, मोर देन वन सोल्यूशन है तो सीधा आप लोग डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर डेल्टा वाई इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा जेड कोई भी एक उठा के ज़ीरो कर सकते हो, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये तीन लीनियर इक्वेशन है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि x+y+z इज इक्वल टू 2, 2x+3y+2z इज इक्वल टू 5, फिर 2x+3y+a² -1 इज इक्वल टू z, दिस इज़ इक्वल टू a+1। तो इसमें क्या अलग अलग ऑप्शन दे दिया गया है कि यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये वो। तो इसमें सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है केस। तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे डेल्टा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2, तो 1 2 2, फिर 1 3 3, फिर 1 2 a² -1। तो हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, इसको ज़ीरो कर सकते हैं, इसको ज़ीरो कर सकते हैं, तो R2 को R2 -2 टाइम्स R1, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 को R2 -2 टाइम्स R1, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 टाइम्स दिस तो 0, 3 माइनस 2 टाइम्स दिस 1, 2 माइनस 2 टाइम्स दिस तो 0, फिर
फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम R3 को R3 -2 टाइम्स R1, है ना, R3 को R3 -2 टाइम्स R1, तो 2 -2 0, 3 -2 1, a² -1 -2, a² -3। तो अब ये क्या हो गया, अगर यहाँ से हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो 1 टाइम्स, फिर a² -3 -0 मतलब a² -3, फिर प्लस मतलब -0 टाइम्स जो भी 0, फिर 0 0, तो फिर ये बस a² -3 हो गया। तो अब डेल्टा जो है, अगर हमें मोर देन वन सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि डेल्टा जो है इक्वल टू 0, मोर देन वन सॉल्यूशन या फिर इनकन्सिस्टेंट, तो डेल्टा को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा, a² -3 = 0, तो a² = 3, या फिर a इज इक्वल टू ±√3, या फिर मॉड a इज इक्वल टू हम लोग √3 लिख सकते हैं। तो अब जैसे ही ये हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, इज इनकन्सिस्टेंट वेन a इज इक्वल टू 4। तो अगर मान लो a 4 होता तो ये डेल्टा क्या हो जाता, 4² -3 मतलब 13, तो डेल्टा जो है आपका नॉन ज़ीरो आ जाता, तो उस केस में क्या हो जाता कि यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। तो अगर a इज इक्वल टू 4 है तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये जो है ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू 4, तो अगर a इज इक्वल टू 4 है तो ये फिर से डेल्टा क्या होता, नॉन ज़ीरो होता, तो अगर नॉन ज़ीरो है मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये ऑप्शन जो है ये भी गलत हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन फॉर मॉड ए इज इक्वल टू √3, अगर मॉड ए इज इक्वल टू √3 है तो डेल्टा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। तो ये तीनों को एलिमिनेट करके सीधा आप कह सकते हो कि ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको और श्योर होना है, क्योंकि अगर डेल्टा 0 है तो आपके पास दो केस हो सकता है, या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा जिसमें हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे, या फिर एक भी सोल्यूशन नहीं होगा जिसमें हम लोग इनकन्सिस्टेंट कहेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों में से किसी एक को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो हम लोग डेल्टा जेड कैलकुलेट कर देते हैं कि ये कॉलम निकल जाए, ये जो दोनों सिंपल वाले कॉलम है वो रह जाएंगे, और फिर यहाँ पर जो है ये तीसरा कॉलम आ जाएगा, है ना, 2 5 a+1। तो हम लोग अगर डेल्टा जेड निकालते हैं तो 1 2 2 1 3 3, फिर इसके जगह पर 2 5 a+1, 2 5 a+1। यहाँ पर फिर से सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि R2 को जो है R2 -2 टाइम्स R1, R3 को जो है R3 -2 टाइम्स R1, तो क्या आ जाएगा, 2 -2 0, 3 -2 1, 5 -4 1, फिर 2 -2 0, 3 -2 1, a+1 -2 टाइम्स, तो a+1 -4 मतलब a-3। फिर यहाँ से अगर एक्सपेंड कर दोगे तो 1 टाइम्स, फिर ये a-3 -1, a-3 -1 a-4, तो डेल्टा जेड जो है a-4। तो a अगर मॉड a अगर √3 है, मतलब a अगर ±√3 है, तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, ±√3 -4, तो ये क्या हो गया, नॉन ज़ीरो हो गया। तो डेल्टा जो है वो आपका 0 है, डेल्टा जेड जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो आपका ये क्या हो गया, इनकन्सिस्टेंट हो गया, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही है। लेकिन ये बिना कैलकुलेट किए भी अगर आप यहीं तक कैलकुलेट करोगे तो आप ये तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, और फिर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, ठीक है, और बहुत सिंपल जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था वही था। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये भी 2019 मेंस के क्वेश्चन हैं, और फिर ये तीनों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, जो अभी तक हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किया है ये तीनों भी उसी कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तीनों को सॉल्व कीजिए और फिर कमेंट्स में आंसर लिखिएगा, जो भी ये तीनों क्वेश्चंस का सही से आंसर देता है तो उसका मैं जो सबसे पहले जो भी देगा आंसर तीनों का सही से, तो फिर उसका जो कमेंट है मैं ऊपर में पिन कर दूंगा, है ना, वो एज अ टॉप कमेंट वहाँ पर दिखाई देगा। तो सबको ये क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लीजिए, और फिर तीनों को सॉल्व करके फटाफट आंसर कमेंट्स में लिख दीजिए। तो अगर चीज़ों को समराइज करना है तो बस आपको क्या करना है कि ये डेल्टा का कैलकुलेट करना है सबसे पहले, अगर ये नॉन ज़ीरो हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, अगर ये ज़ीरो होता है और फिर ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों ज़ीरो हो जाता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, और अगर ये तीनों में से कोई भी एक अगर नॉन ज़ीरो हो जाता है तो फिर इनकन्सिस्टेंट।
अब इसमें ध्यान रखना है, ये केस जो है इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन वो जेई एडवांस्ड लेवल के लिए है, जेई मेंस के लिए आप सीधा ये लगा सकते हो कि अगर ये तीनों जीरो हो गया तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसके बाद प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर कमेंट कर दीजिएगा। अगर फ़ायदा हो रहा है ये सब वीडियो से तो कमेंट्स में लिख दीजिए, अपना फीडबैक लिखिए, क्योंकि उससे इनकरेजमेंट बहुत मिलता है मुझे, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगता है। तो अगर आप लोग को मदद कर रहा है तो लिखिएगा, तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को सही में मदद हो रहा है, तो फिर और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। और फिर जो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया ये सारा खुद से सॉल्व कर लीजिए, कहीं पर कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने दिया है ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर वीडियो को शेयर कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेने। और कमेंट्स में जो भी पहले ये तीनों का आंसर्स देता है सही से, उसका मैं ऊपर में कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट कोई जो भी चैप्टर का बनाना है वो भी आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया इस चैप्टर का नेक्स्ट बना दीजिए, फिर मैं देखता हूँ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का बनाना है। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे देख सकते हो बहुत सिंपल है, जैसे ये सब इजी स्कोरिंग चैप्टर है, मैट्रिसेस वगैरह, तो आप लोग इतना ही करके ऑलमोस्ट सर्टेन आप लोग का 4 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ाई करो, स्मार्टली पढ़ाई करो, अच्छे से अभी सब कुछ जो है वो रिवीजन करो। और रिवीजन करने का तरीका भी यही है कि क्वेश्चंस उठाओ प्रीवियस ईयर का, उसको सॉल्व करो, उसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।